नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का। यहाँ एक बार हम फिर चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। अजीत पवार ने जो है अपने सत्ता में आने से पहले ही जो है पक्ष और निशानी को लेकर जो है न्यायालय में अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। किस तरह की प्रक्रिया है और क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी सुभाष काले जी से, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि अजीत पवार की जो प्रोसीजर है, जो कोर्ट के चुनाव आयोग के पास किस तरह का प्रोसीजर है, और उससे जो है पवार साहब को क्या है, पवार साहब के पास अब क्या बचेगा, यानी कि उनकी पक्ष और निशानी क्या उनके पास वापस आ जाएगी या अजीत पवार जी जो है सत्ता में साथ में लेके बैठेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इस विषय पर, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है ये और पवार साहब के प्रेस्टीज से सवाल है ये। एक वाक्य में अगर बोलना है जी, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भतीजे ने चाचा को धोबी पछाड़ दे दी। ओहो, तो क्या हुआ जी, अभी 2 तारीख को दोपहर को अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। बिल्कुल। लेकिन उसके पहले 30 तारीख को, 30 जून को जी, उन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन कमिश्नर के पास एक अर्जी ऑलरेडी सबमिट की जी, जिस अर्जी में उन्होंने ये लिखा हुआ है, इसमें से कुछ मेन जो मुद्दे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो अर्जी के साथ 40 लेजिस्लेटिव मेंबर्स, यानी के एमएलए हो, एमएलसी हो या एमपी हो, उनके 40 लोगों के एफिडेविट्स, सिर्फ सिग्नेचर नहीं, एफिडेविट्स। इसका मतलब 30 तारीख को ही अजीत पवार के साथ 40 लेजिस्लेटिव लोग उसके साथ थे। दूसरी अहम बात यह है कि उसके पहले उनकी वर्किंग कमिटी की मीटिंग हुई, किसी को पता नहीं चला। उनके लीडरशिप, प्रफुल्ल पटेल जी के लीडरशिप में वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सर्वानुमते, हर मतलब यूनानिमसली, सब की सहमति से अजीत पवार को राष्ट्रवादी का अध्यक्ष घोषित किया। उस लेटर में वो भी उल्लेख है कि शरद पवार नहीं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार रहेंगे। ये जो 2 चीजें है कि 40 लोग उनके साथ 30 तारीख को होना और उस 2 तारीख को शपथ और ये अजीत पवार को अध्यक्ष घोषित करना और क्लेम करना, तो यही राष्ट्रवादी है, पार्टी का नाम और सिंबल इन्हीं के पास है और राष्ट्रवादी का मैं अध्यक्ष हूँ, ये 30 तारीख को उन्होंने बंदोबस्त किया था और उसके बाद 2 तारीख को उन्होंने शपथ ग्रहण की जी। इसका मतलब ये होता है कि जो हम आज तक मानते थे कि महाराष्ट्र में सबसे चतुर, सबसे होशियार, सबसे चालाक और क्या दांता राजा वगैरह 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 बहुत विशेषण लगाए जाते हैं, वो शरद पवार जी है, लेकिन उनको भी सुपरसीड करके अजीत पवार आगे चले गए हैं और अब शरद पवार जी के पास ज्यादा कुछ विकल्प नहीं बचे हैं जी। उन्होंने एक सभापति के पास अर्जी तो दी है कि ये 9 जन जिन्होंने शपथ ग्रहण किए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, लेकिन सवाल ये खड़ा होगा कि ये अर्जी क्या शरद पवार और उनका गुट दे सकता है लीगली, क्योंकि उनके अध्यक्ष नहीं है, बेसिकली अध्यक्ष भी नहीं है वो, पार्टी भी के अध्यक्ष तो अजीत पवार है, 30 तारीख को उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दिया है, इसीलिए ये अभी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो गया है। जैसे एकनाथ शिंदे जी के वक्त जो सिचुएशन थी, थोड़ी बहुत वही सिचुएशन है, और इस जैसे मैंने कहा कि अभी कोर्ट में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एकनाथ शिंदे जी और उद्धव जी के केस में अपना दे दिया है उनका जजमेंट, और उस जजमेंट के हिसाब से पूरे अधिकार या तो इलेक्शन कमिश्नर के पास है, पार्टी कौन सी पार्टी है, किसको निशान देनी है वो तय, उनको तय करना है, और डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात है वो सभापति को तय करनी है। तो इसीलिए ये सिलसिला, ये
झटपट ये दोनों के बीच में चालू रहेगी। लेकिन अभी इस वक्त तो ऐसे ही दिख रहा है कि अजित पवार जी का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन सर यहाँ पे एक थोड़ा सा रोकता हूँ मैं, जिस तरह से आपने कहा कि अजित पवार अपने आप को अध्यक्ष मान लिए, तो बिना शरद पवार जी के एनओसी के ऐसा हो सकता है? यार उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया कि अजित पवार अध्यक्ष रहेंगे, बाकी लोग उनको साथ। अध्यक्ष कौन चुनता है? अध्यक्ष जो कमेटी है जी, वर्किंग कमेटी हर किसी भी पार्टी की, वो चुनती है ना जी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के समझो अध्यक्ष नड्डा जी है जी, तो उनको कौन, उनकी चुनाव कैसे होता है उनका? तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उनको उनको चुनती है, तब जाके वो अध्यक्ष होते हैं। अभी इनकी जो कार्यकारिणी है राष्ट्रवादी की, उन्होंने अजित पवार को अध्यक्ष चुना है 30 तारीख को। तो अभी यू का ऐसे घोषित, वो अजित पवार खुद चल के घोषित नहीं कर रहे कि मैं अध्यक्ष हूं, बाकायदा प्रोसेस फॉलो किए उन्होंने। उनकी जो कमेटी है, वर्किंग कमेटी बोलो या कार्यकारिणी बोलो, उन्होंने वो पूरे कार्यकारिणी में रेजोल्यूशन यानी के ठराव पारित हुआ है कि आज से हमारे अध्यक्ष अजित पवार है, और वो रेजोल्यूशन की कॉपी वो अर्जी के साथ इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई है। तो अभी इसका मतलब क्लियर है जी कि 2 तारीख को जो शक्ति प्रदर्शन हुआ उसके पहले ही अजित पवार के पास बहुत ज्यादा बहुमत था, लोग अजित पवार के साथ थे, सबको जो अभी कार्यकारिणी सदस्य है, जो आमदार है, MLC है, सबको मालूम था कि क्या होने वाला है। लेकिन शरद पवार जी को उसकी भनक तक नहीं लगी, और इतना मतलब यही होता है कि अजित पवार 2 कदम शरद पवार जी से भी आगे निकल गए। सर अभी इसमें चर्चा ये हो रही है कि पवार साहब कह रहे हैं कि कुछ ही दिन में सब वापस आ जाएंगे, हमारे पास वापस आ जाएंगे, जैसे 2019 में सब वापस आ गए थे, तो क्या इस एफिडेविट के बाद वापसी का कोई संदेह बचता है इसमें? नहीं, अभी अभी तो देखो, अभी पार्टी ये तो एप्लीकेशन दिया इलेक्शन कमिश्नर के पास, अभी इलेक्शन कमिश्नर को उसके ऊपर निर्णय लेना है जी कि भाई ये अर्जी का क्या करना है, लीगली सही है गलत है, उनकी स्ट्रेंथ बराबर है नहीं है। पार्टी जैसे अभी इलेक्शन कमिश्नर के पास सुनवाई होगी, हियरिंग होगा, अजित पवार के वकील आर्गुमेंट करेंगे, शरद पवार जी के वकील आर्गुमेंट करेंगे, और उसके बाद तय होगा कि भाई जो अर्जी है वो मंजूर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और फिलहाल अभी कोई इलेक्शन तो है नहीं जी, तो इसीलिए इसको कोई ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं होगी इसमें। तो ये अर्जी के ऊपर सुनवाई होगी इलेक्शन कमीशन के पास, और वो सुनवाई के बाद तय होगा कि पार्टी का अध्यक्ष कौन है, पार्टी का सिंबल किसको मिलेगा, और ये सब फाइनल तय होने के बाद। तो तब तक तो काफी महीने गुजर जाएंगे, तो अभी जो लोग हैं तो उनको वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अभी हम जैसे एकनाथ शिंदे जी ने बताया कि मैं ही शिवसेना हूँ, मेरी पार्टी ही शिवसेना है और मैं ही अध्यक्ष हूँ, एग्जैक्ट पोजिशन आज अजित पवार जी। तो इसीलिए वापस जाना वापस आना अभी सवाल ही नहीं जी। अभी जिन्होंने ऑलरेडी एफिडेविट दे दिया है वो तो अभी ऑलरेडी दिया है, अभी वो जाके ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई हमने एफिडेविट दिया था हमको मालूम नहीं था, मालूम नहीं हमने कहाँ पे। हाँ, पढ़े लिखे लोग हो ऐसे नहीं, अभी पलटी नहीं क्या रहता है, एफिडेविट है वो, यू स्वेर इट, और वो एफिडेविट जब हम देते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ देना पड़ता है वो। कल जाके हम एफिडेविट, और अगर झूठा एफिडेविट दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि भाई तुमने झूठा एफिडेविट दिया। तो इसीलिए जो है आज की सिचुएशन में वो ऐसे दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास सुनवाई होगी, कब होगी, कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं, वो सुनवाई के बाद पार्टी का अध्यक्ष कौन है ये तय होगा, और पार्टी किसके ताबे में है ये फाइनल होगा, जो उनकी निशान है राष्ट्रवादी की घड़ी वो किसके पास जाएगी वो तय होगा। ऐसे एग्जैक्ट एकनाथ शिंदे जी की जैसा है, और दूसरा ये डिस्क्वालिफिकेशन भी प्रोसेस चलते रहेगी कि भाई ये 9 जन को कैसे, अभी जब तक पार्टी का डिसीजन नहीं होता है तो वो व्हिप जो है, जो अभी एप्लीकेशन दिया है शरद पवार जी के गुट ने कि भाई ये 9 लोगों ने पार्टी का व्हिप गलत पार्टी के खिलाफ काम किया है इनको डिस्क्वालीफाई करो, तो भाई पार्टी सही किसकी है इसका पहले तय होना, और वो तय होने के बाद फिर डिस्क्वालिफिकेशन। इसलिए आज की घड़ी में ये क्लियर पिक्चर है कि शरद पवार बहुत भारी पड़ गए, सॉरी अजित पवार जी बहुत भारी पड़ गए शरद पवार जी को,
क्या है, अजित पवार आज पिछले 40 साल से 50 साल से शरद पवार जी के साथ काम कर रहे, उनके डावपेच, उनकी राजनीति, उनका एक बोलना एक करना, उनके मन में कुछ जुबा पे कुछ और करना कुछ करना कुछ, कुछ करना अलग ही करना, ये सब वो जानते हैं। इसलिए वो उन्होंने ये पूरी तैयारी के साथ सतर्कता के साथ किया है, पूरा पूरी तैयारी के साथ उन्होंने डिफेक्शन किया, मतलब जो किया है वो पूरे तैयारी के साथ किया है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी शरद पवार जी का कुछ गुंजाइश बची है ये संभालने की, तो अभी पिक्चर एज इट इज क्लियर दिख रहा है। सर अभी जब से अजीत पवार जी अपने दल बल के साथ में सत्ता में शामिल हुए हैं, अब एक चर्चा और जब बहुत मतलब गंभीर रूप से चलने लगी है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है, और क्योंकि उनके जो 16 विधायक जो उनके साथ में जो और विधायक है जो डिसक्वालीफाई होने वाले हैं, और इसके लिए ये तैयारी भाजपा ने पूरी तैयारी की है, एक चर्चा में कितना सच्चाई है? देखिए क्या है, वो मैंने पहले भी बताया आपको कि ये 16 विधायक को डिसक्वालीफाई करने जैसा सिचुएशन आज नहीं दिख रहा। हाँ, अगर इलेक्शन कमिश्नर का रिजल्ट ऐसा आता कि शिवसेना उद्धव जी की है और धनुष बाण उनकी निशानी है तो 100% ये डिस्क्वालीफाई। लेकिन जो निर्णय आया हुआ है वो एकनाथ जी के फेवर में आया है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी अध्यक्ष वही है, वो पार्टी अध्यक्ष वो है, उनका जो विप था वो विप आमदारों को मानना पड़ेगा, और उस हिसाब से जो 16 डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है कि इन्होंने हमारा विप नहीं माना, तो उनका विप माने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका कोई संबंध ही नहीं है शिवसेना से जी। तो अगर फिर उद्धव जी का विप क्यों कोई मानेगा? जैसे आज अजित पवार के साथ जो आमदार है जी, वो शरद पवार जी के विप का विप क्यों मानेगा? क्यों मानेगी? क्योंकि उनका प्रतोद अलग है, उनकी पार्टी अभी राष्ट्रवादी है, उनका निशान अलग है, उनका मानने की उनको जरूरत नहीं। इसलिए जो लोगों में चर्चा है कि वो 16 लोग डिस्क्वालीफाई होंगे इसलिए बीजेपी ने ये बंदोबस्त किया है वगैरह, वो सब में बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा रही है, एनडीए को स्ट्रांग करने की कोशिश में है बीजेपी, और वही चल रहा है। न कोई डिस्क्वालीफाई होगा और न कुछ होगा, ये सरकार जैसी है वैसे ही चलेगी। अभी थर्ड पार्टनर आ गया है और ये तीनों पार्टनर्स एक साथ काम करेंगे 2024 के इलेक्शन तक, ऐसे ही चलने वाले। धन्यवाद काली जी। तो ये थे सुभाष काली जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं। हम इनसे जानकारी ले रहे थे कि जिस तरह से चुनाव आयोग का जो फैसला है शिवसेना के पक्ष में गई थी, क्या यही फैसला जो है एनसीपी यानी अजीत पवार के साथ में हो सकती है, किस तरह का उनका जो याचिका जो दाखिल किया गया है, किस तरह की तैयारी थी, इसी को हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद।